हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपने न्यू वाले फ़ोन से बना रही हूँ एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सब कुछ इतना क्लियर दिख रहा है। मेरा पुराना वाला फ़ोन ना काफ़ी ख़राब हो गया था, 3 साल हो गया था, बट मैं फिर भी उसको यूज़ कर रही थी। तो मुझे नया फ़ोन मिल गया, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग देख लिया है, मुझे पूरी फैमिली ने मिलकर ये फ़ोन गिफ्ट किया है। आई होप आप सबको अब हर चीज़ बहुत क्लियर नज़र आएगी। सो गाइज, आज है 29 और मैं जा रही हूँ अपने मायके। यस, मैं 21 को आ गई थी। एंड एक और चीज़ मैं पहले ही बता दूँ कि मैं ब्लॉग्स बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, आई नो, बट रीज़न ये है कि आप सबको पता है मेरी छोटी सी बेटी है और घर का भी है सब कुछ मैनेज करना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। बहुत ही मतलब जितना टाइम मिल पाता है ना, उसी टाइम को मैं मैनेज करके अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ एंड उसी को मैनेज करके अपना सब कुछ चीज़ें मैनेज करती हूँ। एंड तो इसीलिए मैं ना टाइम पे नहीं हूँ। आई नो मैं टाइम पे वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही हूँ, बट सॉरी उसके लिए, बट कोशिश करूँगी कि टाइम पे पोस्ट करूँ। तो मैं आज जा रही हूँ अपने मायके, अपने भाई को, मेरे भाई का आज बर्थडे है, 29 है। सो उसका बहुत मन था कि प्रिंसेस, मतलब मेरी जो धनवी बेटी है, वो उसके बर्थडे वाले दिन उसके साथ रहे, केक कट करे, तो मम्मी ने फाइनली परमिशन दे दी है कि जा सकते हो। तो मैं, भैया, भाभी, बाबू और धनवी, हम चारों जने जा रहे हैं मेरे घर एंड सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड इसका पीछे एक और रीज़न है कि हमारे घर पे ना फर्स्ट फ्लोर पे वाइट वॉश हो रहा है, प्रिंसेस का नामकरण फंक्शन है 14 को, जैसे कि आप सबको पता है, तो वाइट वॉश हो रहा है। तो छोटा सा, बिल्कुल छोटी है, तो इसको अभी नहीं रख सकते हैं ऐसे डस्ट वगैरह में, तो ये भी रीज़न है कि मैं जा रही हूँ मायके। मैं आपको दिखाती हूँ वाइट वॉश। आप लोगों ने देखा कि वाइट वॉश का काम चल रहा है और वो शायद 2 से 4 दिन लगेगा पूरा कंप्लीट होने में। मेरी पैकिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो, सब कुछ पैक है, बस निकलने वाले हैं। मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं प्रिंसेस नाई नाई करके। यहाँ पे देखो आप लोग, लेटी हुई है मेरी बेटी और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। भाभी भी उधर रेडी हो रही है और हस्बैंड ऑफिस से आने वाले हैं, सो हम चारों जने साथ में जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ब्लॉग को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग, आप सबको बहुत पसंद आने वाला है, सो लास्ट तक देखना। एंड इस बार मैं रहने जा रही हूँ, ये अभी मेरा, आप लोग आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करना, उससे पहले मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी। तो मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ ममा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश फॉर बेबीज। मैं अपनी प्रिंसेस के लिए यही वाला बॉडी वॉश यूज करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, जो बेबी की स्किन होती है ना, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो हर ममा मेरी तरह, उनको ये चिंता होती है कि हम कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज ना कर दे जिससे बेबी को रैशेज हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए। तो वो बहुत ज्यादा ना, मतलब चिंता होता है अपने बेबी को लेके कि हम क्या करें। जैसे कि आपको पता है, मैं खुद पर्सनली, मैं भी ममा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। सो मैंने इसलिए सोचा था, स्टार्टिंग से ही मैं अपने बेबी को ममा अर्थ का ही प्रोडक्ट्स यूज कराती हूँ, चाहे वो लोशन हो, चाहे वो बॉडी वॉश हो, वो सारी चीजें मैं ममा अर्थ का ही यूज करती हूँ। सो आप लोग भी यूज कर सकते हो, अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है एंड छोटा सा बेबी, आप उसको सेफ रखना चाहते हो, केमिकल के प्रोडक्ट से दूर रखना चाहते हो, तो आप ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, बेबी के लिए बेस्ट है। तो ये है ममा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश फॉर बेबीज विद ओट्स मिल्की एंड कैलेंडुला, ठीक है। टीयर फ्री फॉर्मूला होता है, सर्टिफाइड है, टॉक्सिन फ्री है ये बॉडी वॉश, एंड साथ साथ डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। ये मेरे पास 400 क्वांटिटी में है, 400 ml है ये। एंड आप जीरो, मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेके जहां तक आप यूज करना चाहो कर सकते हो। मैं तो अपने बच्चे को स्टार्टिंग से यही वाला बॉडी वॉश यूज कर रही हूँ। ये जेंटली क्लीन करता है स्किन को एंड लीव स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। आपके बेबी के स्किन को, मैं आपके स्किन को बोलने वाली थी, आपके बेबी के स्किन को सॉफ्ट करता है एंड स्मूथ करता है। मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ कि इसमें एक्वा है एंड साथ ही साथ ओट एक्सट्रैक्ट है, मिल्की प्रोटीन है, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है गाइस इसमें। एंड आपको ये 399 में मिल जाता है ममा मिल्की सॉफ्ट। इसका नाम ही है मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश, मतलब बहुत ही इसका, मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे दूध की तरह है। एंड इसमें बहुत ज्यादा ना, इसमें फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ्रेग्रेंस होता तो पक्का इसमें किसी केमिकल का यूज किया गया होता, बट
फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है, जैसे शैम्पू साबुन होता है वैसे, तो मैं इसी को यूज करती हूँ अपने बेबी के लिए। बट अभी मैं स्क्रीन पे आपको लगा के उसको नहीं दिखा सकती, बट क्योंकि मैं नहाते हुए अपने बेबी को शो नहीं करना चाहती, इसीलिए। ये आपकी बेबी के आईज में अगर चला जाता है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईज में चला जाता है तो आपकी जो बेबी है ना उसके आईज को इरिटेट नहीं करेगा, और जैसे आंखों में चला जाता है तो पानी वानी निकल जाता है, वो सारी चीजें नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छे से, मतलब वो बेबी मुंह अपना धुलवा लेगा। सो आप ये अमेजोन से ले सकते हो, फर्स्ट क्राई से ले सकते हो, एंड साथ ही साथ मामा अर्थ की वेबसाइट से ले सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं, मामा अर्थ ने अपनी ऐप लॉन्च भी कर दी है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो NICU2021, वेबसाइट पे भी कर सकते हो एंड ऐप पे भी कर सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं मामा अर्थ की इनिशिएटिव मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आज भी मैं आपके साथ मामा अर्थ की इनिशिएटिव शेयर करती हूँ, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे मामा अर्थ की वेबसाइट से, तो आपके ऑर्डर को मामा अर्थ की वेबसाइट से एक ट्री से लिंक किया जाएगा, जो कि प्लांट करेंगे आपके बिहाफ पर। और एंड मामा अर्थ का जो प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है उसके अंडर 2025 तक मामा अर्थ का एम है कि वो 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करेंगे। एंड जो सेकंड है वो है मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल फ्री है हार्मफुल टॉक्सिन से, एंड ये बनते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। ये टॉक्सिन ना ही सिर्फ क्रूशियल होते हैं हमारे स्किन के लिए बल्कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, बिकॉज ये बहुत हार्म क्रिएट कर सकते हैं एंड हमारे अर्थ को प्रोडक्शन स्टोरेज पर एंड डिस्पोजल स्टेज पर। फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने पहनी ये वाली साड़ी। ये वाली जो साड़ी है मैंने सेकंड टाइम पहनी है, फर्स्ट टाइम शादी से पहले पहनी थी और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा हाँ, एक बार और पहनी थी, पीछे से याद दिला रहे हैं। अच्छा, गांव गए थे तो नहीं पहने थे, हाँ एक बार और पहनी थी, तीसरी बार पहन रही हूँ मैं ये साड़ी, और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा मिरर में दिख रहा होगा इस तरीके से। अभी आपको फाइनल लुक तो पता चल जाएगा आगे, जैसे आप ब्लॉग में आगे जाओगे वैसे। और नए फ़ोन से शूट कर रही हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, इसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है। बस अब हम निकल रहे हैं, भाभी भी रेडी हो चुकी है, प्रिंसेस भी रेडी हो चुकी है, हम सब रेडी हो चुके हैं, हम निकल रहे हैं। आपसे रास्ते में मिलेंगे या नीचे चल के मिलते हैं। चलो, अपना बच्चा भी तैयार हो गया। ओ, ये फोन का पहला व्लॉग है जो हमने खरीदा। हाँ, इस फोन का ये पहला व्लॉग। कहाँ गए, भाग गए वो इतना सा बोल के। और ये शोना बच्चा रेडी हो गया है, दादी ने बाबी को रेडी कर दिया है। अब कंघी करा लो भाई, चलो चलो कंघी करा लो। कितना अच्छा आ रहा है भैया, देखो अरे भैया देख रहे हैं, लेकिन पकड़ने का फोन अभी डर लग रहा है, इसमें टेम्पर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है ना। कौन सा कलर है यहाँ? और ये भाभी ने यार लकड़ी वाला, ये अभी बाल स्ट्रेट करने में लगी हुई है। मैं सबसे पहले तैयार हुई हूँ, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि मैं पति ने मुझे ऑफिस से मैसेज करके बोला था अगर 5 बजे तक तैयार अच्छा लैंग्वेज गड़बड़ा गई तो मेरे पति देव ने मुझे ऑफिस से फोन करके बोला था, यही तो बोले थे। अच्छा, फोन करके बोले थे कि अगर 5 बजे तक आप तैयार नहीं हुए तो यहीं छोड़ के, नहीं आप अकेले फिर चली जाना, तो इसलिए मैं सबसे पहले तैयार हो चुकी हूँ। अभी देखो भाभी तैयार हो रही है और वो भी तैयार हो रहे हैं, मैं और बबनी देखो सबसे पहले तैयार हुए हैं। अरे बाबू भी तो तैयार हो गए, हटाओ 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 हटाओ, ये देखो और बाबू भी तैयार हो गए हैं नया कपड़ा पहन के। दिखा दे भाई अपना नया कपड़ा और सूज भी दिखाओ, सूज वो वाला देखो पहने लगे ना, नीचे से दिखाओ। अच्छा भाई ये लो, ये नीचे से कह रहे हैं दिखाने के लिए, हटाओ 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 हटाओ, नीचे से दिखा दिया। ठीक है भाई और बहनों, हमने इनको फिर भगा दिया, चलो चलो घर खाली करो, किराया विराया देते नहीं है टाइम से, बार बार जाती है ये आप लोगों की प्यारी निक्कू सुमित ऑफिशियल, नाम भी हो गया मेरा निक्कू सुमित ऑफिशियल। ये देखो बेचारी कुली वाली हाल में चिढ़ गई।
मम्मी इस बार इनको भेजो ही ना, लंबा भेजो यार, बोर कर दिया इन्होंने। ये आ गई हैं, ये कामनी सिंह ऑफिशियल, ये देखो ये हमारे चौहान अंकल हैं, कह रहे हैं कि एक रसगुल्ला हमारे लिए भी लाना। अंकल फिर से बोलना, बर्थडे में जा रहे हैं तो रसगुल्ला तो हमारा बनता है ना। हाँ, एक रसगुल्ला लाना, ठीक है ना, वो हमें पता जाएगा कि भाई हैप्पी बर्थडे का हमने रसगुल्ला खा लिया। धानू आप कहाँ जा रहे हो बेटा, सुमित चाचू साहब? अरे भाई ये तो बंद कर दिया भाई, ऐसे बंद क्यों? खाना तो पड़ल बा, बाय बोल दो, जल्दी आएंगे। ना बेटा ना, ना बेटा ना, आतंक मचा देती है। और हम निकल गए हैं, इधर दिखाओ भाई, धनवा को धनवा। सो हम लोग निकल गए हैं मायके के लिए, हम दोनों जा रहे हैं अपने मायके, और हमें हमें एक ड्राइवर है वो छोड़ने जा रहे हैं, वो जो आगे ड्राइविंग कर रहे हैं। और पूरा दिया है आपको, आपको हम ऐसा ड्राइवर ही कहीं लेके जाते हैं, थोड़ा मास्क नीचे कर लो, चलो चलो चलो। और कहीं जाना होता है तो प्रिंसेस अपना पूरा आतंक मचा के रख देती हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों ने अभी वीडियो में अभी तक देख चुके होंगे, गाड़ी की जरूरत नहीं है, उसके बाद नींद में चली जाती हैं, अपना गाड़ी में बैठते ही अपना नींद में चली जाती है। और आगे बैठे हैं थानू, इधर देखो बाबू, इधर देखो ओए, कपड़ा तो बहुत अच्छा लगा है, कौन लगा? तो बस अब हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे, और अभी तक मेरे घर वालों को पता नहीं है कि हम निकल गए हैं। विक्की को तो बता दिया था मैंने कि पहले हमने सोचा था कि उसको सरप्राइज देंगे, पर फिर हम मैंने सोचा कि नहीं बता देते हैं, क्योंकि अगर सरप्राइज को हमें जाना था शाम को, और तब तक बेचारा अपना सुबह से लेकर शाम तक का पूरा टाइम खराब कर लेता, तो इसलिए हमने इस सरप्राइज को उसको बता दिया कि हम आने वाले हैं। अब मैं वहां पे रुकूंगी कितने दिन ये तो मुझे नहीं पता, सोच के जाती हूँ कि मैं रुकूंगी पर वापस आ जाती हूँ, बट इस बार भी सोच के जा रही हूँ कि मैं वहां पे रुकूंगी, बट आगे देखते हैं क्या होता है, वो वहां जाके पता चलेगा। अब भाभी तो आ ही जाएंगे वापस, आप रुकोगे वहाँ? आप रुकोगे? मैं दो दिन रुकूंगी, दो दिन बाद आऊंगी, और मैं वहाँ पे चार दिन रुकूंगी, मैं चार दिन बाद आऊंगी। बाबू आप कितने दिन रुकोगे? बाबू आप कितने दिन रुकोगे? तीन दिन। और आप कितने दिन रुकोगे? मैं एक दिन। ये एक दिन रुकेंगे, ये आज ही आ जाएंगे, क्योंकि ये ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर ज्यादा देर रुकते नहीं है कहीं, तो ये आ जाएंगे वापस आज ही हम लोग रुकेंगे। पता चला हम अंदर के काट रहे सबों पे घूम रहे हैं, कोई तो लागे देखेंगे। चलो अब हम आप लोगों को वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं आप सभी से। भाभी भी बिजी चल रही है, कुछ करने में लगी हुई है, सब कुछ गड़बड़ हो गया, वही मैं कुछ ठीक कर रही हूं। अब हम आपसे वहाँ पे मिलते हैं। आंटी का वीडियो बना रही है, अच्छी तो कर रहे हैं। ओए गाइस गाइस, चलते है ना।
नमस्ते जी। ये देखो कौन है, कर दो। नमस्ते भाभी। अरे तो कोई बात नहीं, आ जा यार। हाँ दीदी। आ जाओ बाबू, आ जाओ। सामान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, बाद में ले जाएंगे। बाबू प्लानिंग की हुई थी कि हम दोनों सेम सेम कपड़े पहनेंगे। मेरा बस कलर अलग है, मैं भी उसी में आ गया। मेरा बस कलर अलग है, चेक। ओए ओए, आई धनु ने नए कपड़े पहन लिए। नानू ने आते ही धनु को नए कपड़े पहना दिए, क्योंकि शर्ट पहनना था, है ना? इसने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। ओए ओए ओए, आप भी जब वहाँ पे ओहो, इसीलिए भाई बैठ जाओ पे। ये देखो, बाबू को भी अपनी तरह बनाने के लिए शर्ट पहना दिया, क्योंकि ये कपड़े लेके आए थे। मेरा मन जाकर थोड़ा सा बताओ, खड़ा कपड़ा कैसा लग रहा है बता दो भाई। मामू की तरह सेंस में, मामू और चाचा की तरह। शर्ट बाबू ने कभी नहीं पहनी ना। लेजर के नीचे पहना होगा तो पहना। हाँ, लेजर वगैरह नीचे पहना। चल पकड़ ले कैमरा, हो गया, चल रहा है।
बाबू तुम यहाँ आ जाओ, थोड़ा हवा लगेगा अच्छे से। बाबू ये कौन है जानते हो? कौन है? हर बार देती है ना, उतना चढ़ा देती है इसके लिए 500 जब से पत्नी है तब से इसका तो लग रहा है बड़ा हो गया। हैप्पी बर्थडे तो बोल दो, बोल दिया, बोल दिया, हैप्पी बर्थडे बोल दिया, एक बार और बोल दो चाची के साथ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना ब्लॉग एंड। मैं पहुँच गई हूँ घर और मैं जा रही थी चेंज करने के लिए। केक वगैरह रात में कट होगा, मतलब रात में क्या, हम 8:30-7 बजे तो हम पहुँचे ही हैं एंड सावन चल रहा है। जैसे कि आपको पता है सावन में हरी हरी चीज़ें पहनते हैं, तो मैंने इसलिए हरी साड़ी पहन ली है। और मेरे पति मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा भी रहे कि ग्रीन कलर का क्लच लिया था इसलिए ग्रीन साड़ी पहनी। नहीं, मैंने सोचा था कि चलो सावन चल रहा है तो चूड़ियाँ तो हम पहन नहीं पाते हैं हम लोग हरी, क्योंकि वहाँ पर मिलता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ मैंने साड़ी पहन ली एंड यहाँ पे मैं जरूर पहनूंगी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। तो मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड एंड यहाँ से स्टार्ट करूँगी न्यू ब्लॉग, क्योंकि ये वाला ब्लॉग ऑलरेडी फिर बहुत लंबा हो जाएगा, घिचुर पुचुर हो जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे एंड करके यहाँ से न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। आई होप आपको ये पूरी जर्नी अच्छी लगी हो एंड आपको हम सबका बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा लगता हो, हमारी फैमिली बॉन्ड। एंड भाभी भी आई है शादी के बाद, पहली बार आई है मेरे घर पे, और शादी से पहले एक बार आई थी दिवाली पे, उसके बाद पहली बार आई है। उनसे पूछेंगे भी जब वो जाएंगी कि उनको कैसा लगा यहाँ पे आकर, क्या मतलब वो पूरा अच्छे से पहले उनको फील हो जाए, फिर उनसे पूछा जाएगा कि उनको कैसा लगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए। सेम रही प्रिंसेस सो चुकी है, बाबू ऊपर खेल रहे हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ बाबू को कितने मज़े आ गए हैं और वो फुल मज़े में अपना खेल रहे हैं। ये देखो धनवा को, ये कितना धनवा आपको मजा आ रहा है यहाँ पे, कितना खेला, यहीं पे रहोगे, कितना खेला, खेल रहे थे आप, इधर देखो इधर देखो, कुछ कुछ के ओए ऐसे खेल रहे थे, ऐसे चोटू लग जाएगी, चोटू लग जाएगी। और ये कौन है? ये नक्श मामू है। हाँ नक्श, नक्श। और आपको अपने कपड़े अच्छे लग रहे हैं? तो बाबू ने ये कपड़े दिए हैं मेरे मम्मी पापा ने, तो उनको यहीं पे पहना दिया गया। चलो बाबू सबको बाय बाय कर दो, बाय बाय। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ।